मैं ऊपर हमारे घर में ना तीरू की जगह है। अच्छा। मैं उसको धो रही थी, पूरी साफ सफाई की मैंने, तो मैं जैसे ही गई मतलब कि मैंने बोला चलो मैं बेटी को ले आती हूँ साफ सफाई करके, मैं गई मैंने लॉक किया, लॉक करके जैसे ही मैं आई ये रात देखो, ये देखो ये है ना, ये इधर से ऐसे डाल डाल के इसको खोला हुआ, और ये देखो ये ना सारे पास ऐसे चित्र में, ये बेटी की बुगनी थी, ये बुगनी ना उसने तोड़ बैठ के सारे, ये मेरे चित्रे थे ना ये सारे ऐसे बाहर ऐसे पड़े हुए ऐसे करके, मैंने सबने पैसे रखे होते ऐसे करके, ये सारे मैंने पुलिस वालों को दिखाए, उन्होंने फोटो खींचे, सारे ना ऐसे ही पड़े हुए थे, ये कल से रोई जा रही हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं, मेरे को इतनी मेरे को अपनी टेंशन ही है, इसमें से ये 10-10 के सिक्के थे, इसमें वो सुना मेरे सोने का वो ले गए, मेरी मेरी भाभी भी तो हो गई, मम्मी ने उसके रखे थे मेरे पास, ये देखो तेरे उसने रात से कैसे ये खोला हुआ है बताओ, ये उसने की है, मेरे इधर पर्स में पैसे थे, वो कपड़े की हालत देखो क्या की है, ये सारा उसने सामान ले लिया मेरा, अरे कुछ उसने, मैं कल से इतनी परेशान हो गई, इसमें और तो क्या, ये देखो इसमें उसने छोड़ ये थोड़े पैसे थे उसको नहीं दिखा, ये पैसे छोड़ के गया, और ये चेंज था ये बेटी की, उसने बुकनी में 20-30 हजार रुपया था वो भी ले गया। पुलिस ने क्या किया? सर पुलिस वाले आए थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई की, फोटो शूटो खींचे, बस सर जो कुछ था यहाँ पे तो मैंने काम लगाया था ऊपर घर में, मैंने बोला पीर बाबा की जगह वो काम बना रही हूँ मैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं वो धो के लड़की, मैं सर अंदर ही नहीं आई, मैं सीधे पुलिस स्टेशन चली गई, मैं सर मेरे घर में चोरी हो गई है, मैंने इनको फोन किया, वो सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ सर, मैं भाभी के कहने भी यहीं पे, भाभी के मेरी माँ के, मुझे अपना फिक्र नहीं कहनों का, मेरी माँ के मेरी भाभी के मिल जाते हैं। कितने के कहने होंगे सर? ये मैं क्या बताऊँ, भाभी के वो था मंगलसूत्र था। जम्मू के अंदर एक और दिन दहाड़े चोरी, ये कोई पहला मामला नहीं है, अगर हम पिछले 5 से 10 दिनों की बात करें तो ये 7वां 10वां मामला होगा, 7 से 10 मामले हो चुके हैं लगातार चोरियों के। मैं इस समय ओल्ड बख्शीनगर इलाके में हूं और जहां पर भी चोरी हुई है, जिनके घर पे चोरी हुई है गरीब आदमी है, खुद जो है ऑटो ड्राइवर है, घर में थोड़ा बहुत जो जमा पूंजी होती है वो रखी हुई थी, बच्चे की भी एक छोटी सी गुल्लक थी, वो तक तोड़कर जो है चोर ले गए। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत जो घर में सामान होता है वो सारा कुछ यहाँ से चोरी करके ले गए हुए हैं, और ये परिवार जो है इस समय काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी होती है सब चोर इसी तरह से ले गए। जो बिल थे ना बिल, वो बिल भी देखो ऐसे करके फेंके हुए थे, ये बिल ना इतना चोर कोई समझदार था, एक आधा बिल छोड़ गया, बिल भी उसने कुछ ऐसे करके फेंक दे, मैंने पुलिस को बोला फोटो खींच लो, बिलों की भी फोटो खींच लो, वो बिल आधे ले गया था सर, बिल भी ऐसे करके फेंके, कोई इतना समझदार चोर था जिसने मेरे छोड़े। ये सर ये देखो, मैं हमेशा इनसे पैसे चोरी करके मैं 150 में बोलती थी ऊपर अगरबत्ती है कुछ भी मैं लाऊंगी, मेरे पैसे और तो मुझे अपना दुख नहीं है सर, मैं क्या करूं, मैं बताऊं मैं क्या करूं, मैं किसको बताऊं मैं सर। ये आपके मदर का और भाभी का भी सोना? बस सर मेरे पास मम्मी ने छोड़ा, मम्मी गई 12 तारीख को शादी थी मेरे कजन की, मम्मी ने जाना था उधर, मम्मी बोलते मम्मी खुद परेशान है, मम्मी बोलती चलो और कुछ नहीं मैं तुझे दे देखती हूँ रखने के लिए, मैंने बोला मम्मी मेरे पास रख लो, मुझे क्या पता था मेरी माँ का ही सामान चोरी हो जाने मेरे से, मेरे मेरे भाई की डेथ हो गई है, उसकी डेथ हुई थी 12 अक्टूबर 2018 में, उसके बाद भाभी का मंगलसूत्र था मेरे पास, उसकी नाते थी टिक्का था, उसके ये कान के सेट सब कुछ था मेरे पास, मम्मी ने मुझे दिया था सामान ले, मम्मी शादी में गए। आप कल गए कहाँ थे जब पीछे चोरी हो गई है? सर मैं सिर्फ ऊपर सफाई कर रही थी, सफाई करके 1-1.5 बजे का टाइम था, मैंने बोला बेटी बुक किया है तो मैं इसको ट्यूशन से ले आती हूँ, मैं इसको ट्यूशन से लेने गई, बोलती मम्मा गुड़िया लेनी है, मैंने पैसे रखे, मैंने साथ सिर्फ ये गुड़िया लेने गई इसकी, मैं चलो रोज तंग करती है, कहती गुड़िया लेनी है, मैं गुड़िया लेने की देर हुई, मैं गुड़िया लेके इसको जैसे आई बाहर से आई, कहती मम्मा इधर पैसे पैसे है, मैंने बोला बेटा कौन से, कहती ये वाले पैसे सर, मैं अंदर ही नहीं आई, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं बाहर पुलिस स्टेशन भाग गई, मैं पुलिस वालों को किया, उसके बाद मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ हो गया क्या। तो पुलिस आपका पूरा साथ दे रहे हैं चोरों को ढूंढने में? सर मैं क्या बताऊं, मुझे अभी तक कोई पता ही नहीं चला, 24 घंटे हो गए हैं, मैं क्या बताऊं, मैं 24 घंटे में इसका बिल लेके आओ आप, और जो बिल वाला जिसे सोना गोल्ड लिया था वो कहता है यार मैं इतना पुराना बिल कहाँ से दूँ, वो भी चोर बिल भी ले गए, बिल भी ले गए, बिल भी ये बिल इधर पड़े होते
कुछ बिल ऐसे करके पड़े हुए थे, ये एक आधा बिल पड़ा हुआ था, बाकी वो देखो चोर ने जहाँ से निकाला मैंने बिल रखे थे इसके अंदर, जैसे इसके अंदर होते, जो चोर था उसने क्या किया बिल भी साथ ले गया ताकि मैं कल को किसी को बेचूं, मुझे ये नहीं पता चले कि मैं बिल कहाँ से लूं मैं, ये मेरा सारा सामान ले गया। देखो मैंने सारे शिवम से लिया, मैंने उसको फोन भी किया, कहता मैं 10 साल का पुराना बिल कहाँ से दूं मैं, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी है सर, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। ये पूरा मामला है जी चोरी का, गरीब लोग हैं, ऑटो चलाते हैं खुद, और देख लीजिए जो थोड़ा बहुत सोना होता है, यहाँ तक अपना तो था ही, अपनी मदर का अपनी भाभी का सोना था वो भी चोर ले गए, और साथ में बिल तक ले गए, ताकि ये लोग कहीं पे अपना बिल दिखाने के लिए भी ना थाने में जा सके। पुलिस अभी जो है फिलहाल मामला दर्ज कर चुकी है, लेकिन ये 7 से 10 चोरियाँ जो है लगभग जम्मू शहर के अंदर रिपोर्ट हो रही है। मैं पुलिस से कहूँगा कि इन चोरों के ऊपर लगाम लगाई जाए, क्योंकि ये बाहर के कोई चोर नहीं है, यहाँ के ही लोकल जो ड्रगिस्ट हैं, जो ड्रग्स के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते, ये वही चोर हैं जिनके ऊपर एक नकेल कसी जाए तो ये चोरियाँ रुक सकती हैं। धन्यवाद, राम राम।